रियल स्टेट की तेजी का असर होम लोन सेक्टर में बढ़ोतरी के तौर पर देखने को मिल रहा है। दरअसल जिस हिसाब से बीते दो साल में घरों की बिक्री बढ़ी है, उसी रफ्तार से होम लोन की डिमांड में भी इजाफा हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक बीते दो साल में होम लोन का बकाया करीब 10 लाख करोड़ रुपए बढ़ गया है। इसी बढ़ोतरी के बाद इस साल मार्च तक होम लोन का कुल बकाया 27.23 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसके पहले मार्च 2023 में ये 19.8 लाख करोड़ रुपए और मार्च 2022 में 17.26 लाख करोड़ रुपए था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बैंकिंग और रियल स्टेट सेक्टर को कोविड महामारी के बाद सबसे ज्यादा फायदा मिला है, क्योंकि बाजार में दबी मांग सामने आने से घरों और होम लोन की डिमांड में जबरदस्त इजाफा हुआ है। जानकारों के मुताबिक होम लोन सेगमेंट में आगे भी तेजी बनी रहेगी, लेकिन बीते दो साल में जिस तरह से इसकी ग्रोथ हुई है, उसे देखते हुए इस साल 15-20% की दर से इसका बढ़ने का अनुमान है। पिछले दो साल में होम लोन आउटस्टैंडिंग करीब 10 लाख करोड़ से बढ़ गया है। इसका मेन रीजन ये है कि कोविड के बाद सब लोग खुद का घर लेने में काफी आकर्षित हुए हैं, और स्पेशली टीयर वन सिटीज में होम्स के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, और इसके कारण होम लोन के एवरेज टिकट साइज भी बढ़ गए हैं। दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि ओवरऑल आउटस्टैंडिंग मार्केट में बढ़ गया है। कमर्शियल रियल एस्टेट में बैंक्स ने करीब 2 लाख करोड़ एडिशनल फंडिंग करी है। दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, बहुत अच्छा साइन है मैं बोलूँगा कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए। ये दिखाता है कि इकॉनमी अपस्विंग में है। जब इकॉनमी अपस्विंग में होती है, ऑटोमेटिकली कमर्शियल रियल एस्टेट की डिमांड होती है, और उस जब डिमांड क्रिएट होती है तो इन्वेस्टर्स अपने यहाँ पैसा लगाते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। रियल स्टेट की जोरदार रफ्तार से केवल बैंकिंग सेक्टर को ही फायदा नहीं हुआ है, बल्कि इससे सीमेंट और स्टील समेत 200 से ज्यादा सेक्टर्स को फायदा मिला है। बीते दो साल में तेजी आने से पहले करीब 10 साल तक प्रॉपर्टी मार्केट बेहद सुस्त चाल से सरक रहा था। इसकी बड़ी वजह नए रियल्टी कानून रेरा, जीएसटी और नोटबंदी से पैदा हुई रुकावटें भी थी, लेकिन अब इसी रेरा ने घरों के पजेशन को मिलने का भरोसा बढ़ाकर घर खरीदारों का डर कम कर दिया है। था रियल एस्टेट में, पर एक कॉन्फिडेंस जो है वो मिसिंग था, और कुछ समय से खास करके जब से रेरा आया है और एक स्ट्रक्चरल चेंजेस की तरह जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है, इन सब का एक कॉन्फिडेंस वापस रियल एस्टेट में आने का इन रिफॉर्म्स ने काम किया है। होम लोन के साथ ही कमर्शियल सेगमेंट को दिए जाने वाले बैंकिंग लोन में भी दो साल के दौरान तेजी आई है। आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 में कमर्शियल रियल स्टेट सेगमेंट को दिए जाने वाला बैंकिंग लोन का बकाया 2.97 लाख करोड़ रुपए था, जो मार्च 2024 तक बढ़कर 4.48 लाख करोड़ रुपए हो गया है। जिस तरह से घरों के दाम बीते तीन साल में 50-100% तक बढ़े हैं, उसे देखते हुए भी होम लोन का आकार बढ़ गया है। ऐसे में अगर आगे चलकर घरों के दाम और तेजी से बढ़ते हैं, तो फिर मुमकिन है कि होम लोन का हिस्सा अनुमान से ज्यादा तेजी से बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।